हाय गुड मॉर्निंग। तो आज की जो वीडियो है ना बिल्कुल अलग होने वाली, क्योंकि ये वाली वीडियो ना मैं अपने चैनल में पहली बार पोस्ट करने वाली हूँ। दिस इज ऑल अबाउट फूड फूड एंड फूड, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ एक ऐसे इवेंट में। वैसे मैं बहुत बार गई हूँ ऐसे इवेंट्स में, बट ये वाली मतलब वीडियो पहली बार बना रही हूँ आप लोगों के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लॉगर इवेंट, दिस इज फूड ब्लॉगर इवेंट। और खाना किसको पसंद नहीं है, मतलब हम इंडियंस कहीं भी चले जाएं अपना देसी फूड नहीं भूल सकते, चाहे छोले चावल हो, राजमा चावल हो। तो चाइनीज सबको पसंद है, आई नो, नो हार्ड फीलिंग्स ब्रो, मुझे भी बहुत पसंद है। पर आज मैं कैसी जगह जा रही हूँ जहाँ पर इंडियन फूड मिलने वाला है। सो लेट्स सी कैसा होगा, क्या होगा, बाकी की वीडियो आगे जाके बताऊंगी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू दैट प्लेस रिव्यू करने के लिए, और मेरे घर के पास है, दैट्स द बेस्ट थिंग। अगर अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा हुआ, तो हम सब मिलके ऑर्डर कर सकते हैं ना बाद में। मतलब ये लोग नहीं खा रहे जो पीछे और आगे बैठे हैं, ये लोग मॉल घूमने जा रहे हैं। सो लेट्स सी कैसा होता है, स्टे ट्यून्ड। एंड दिस इज द प्लेस, इट्स डेकन डिलाइट। तो फाइनली मैं अंदर आ चुकी हूँ, और सबसे पहले जो इस रेस्टोरेंट को देखकर मुझे वाइब आई ना, एकदम इंडियन वाइब्स। चलो अब करते हैं मीट एंड ग्रीट, से हाय हेलो टू माय फ्रेंड्स। और एक और बात, अगर आपको इंडियन फूड या स्ट्रीट फूड कुछ भी ट्राई करना है ना, तो डोंट गो फॉर अ फैंसी प्लेस, मतलब ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा क्योंकि इट्स अ ब्लॉगर इवेंट, तो यहाँ पर सारा सेटअप हुआ, और जब बेस्ट पार्ट होती है ना ब्लॉगर मीटअप की, उसमें ये कि सबसे मिलने का मौका मिलता है। उसके बाद पता है यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कि कौन वेज खाने वाला है, कौन नॉन वेज खाने वाला है। वैसे तो वेज नॉन वेज दोनों खा लेती हूँ, बट क्योंकि सावन चल रहे हैं और फास्ट रख रही हूँ मैं, तो मेरी प्रेफरेंसेस भी वेज होने वाली है, और मैं वेजिटेरियन ही ट्राई करूँगी। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो वेज नॉन वेज दोनों खा लेते हैं या नहीं खाते, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्राई करा वेज कबाब का प्लेटर, उसके अंदर था गोभी थी आई गेस, और मशरूम था, बेबी कॉर्न थे, पोटैटोज थे, बेबी पोटैटोज, और बेल पेपर थी। द बेस्ट पार्ट इज़ उसका मैरिनेशन, उसमें जो सरसों के तेल का मैरिनेटेड फ्लेवर था ना, वो बहुत अच्छा था, आई मीन आई लाइक इट। और जो दूसरी चीज़ ट्राई करी स्टार्टर में, वो थे मकई मलाई के सीख कबाब, ये वाला जो आप देख रहे हैं, और स्पाइसी था थोड़ा, इसमें ग्रीन चिली का पेस्ट था, बट मैं बेबी फूड खाती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी था। आप मेरे रिएक्शन नोट करना यहाँ पर, क्योंकि मुझे सच में हिचकी आने लगी थी। How's the food, guys? उसके बाद हमने ऑर्डर करी लस्सी। बीट द हीट के लिए यही सबसे बेस्ट है, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी, और अगर बात करूँ टेस्ट की तो बहुत ही अच्छा टेस्ट था। शुगर एकदम एक्यूरेट थी, और वो था ना श्रीखंड जैसा टेस्ट कर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने मेंस में ट्राई करा, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन थे नॉन वेज में, पर मैंने ट्राई करा मटर मेथी मलाई। टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं करा, ना मैंने कभी घर पे बनाया, मे बी कभी कहीं शादियों में खाया, तो आई डोंट नो। और मेथी मटर मलाई की ऐसी चीज़ें मैं कभी बाहर रेस्टोरेंट में जाके ऑर्डर नहीं करूँगी, आई नो माई सेल्फ। और साथ में मैंने ट्राई की पनीर की सब्जी और नान। उसके अलावा जो साथ में था पनीर टिक्का मसाला, आई गेस वो कहीं भी जाओ मिल जाता है, बट टेस्ट बहुत अच्छा था। साथ में जो मेन कोर्स में नॉन वेज में आया था ना, उनका ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा था। उन्होंने चिकन मुगलाई, मुर्ग मसल्लम, मटन कढ़ाई चाप, फिश टिक्का मसाला, चिकन सिक्स, ऐसे सारे ऑप्शंस इनफैक्ट उनके पास स्टार्टर्स में भी आए थे। बात करूँ टेस्ट वाइज की, तो सारी चीज़ें मुझे एक्चुअली अच्छी लगी। वो था ना कि ये ज़्यादा अच्छी लगी और वो थोड़ी कम अच्छी लगी, बस इतना ही फ़र्क है। अरोमा बहुत अच्छा था सारी डिशेस का जो मैंने ट्राई करी,
उसके अलावा अगर आप नियर बाय कहीं रहते हैं, आई मस्ट से दैट दिस इज अ डेफिनेटली मस्ट ट्राई प्लेस। सारी डिटेल्स, एड्रेस, कौन सा रेस्टोरेंट है, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एक बात और बोल दूँ, नो शुगर कोटिंग, टेस्ट वाइज, मनी वाइज, इट वॉज वर्थ ट्राइंग। कुछ भी ऐसा नहीं था कि अच्छा नहीं था और हमने बोला अरे अच्छा नहीं लग रहा, सब कुछ टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था। साथ में था डबल का मीठा मीठे में, जो मैंने ट्राई नहीं करा इसलिए मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ बिजी हो गई थी वीडियो बनाने के लिए। You missed me guys? Mm-hmm. They are like, we don't know you. What kind of the food you have? I had veg only. Okay, you want to talk to me about something? So outro bhi karte hain, kahin mat jaiye. Batana hai mujhe abhi. तो मैं वापस आ गई हूँ, शाम के 6:30 बज चुके हैं, हम लोग मॉल वॉल घूम कर आए हैं। बट दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा डेक्कन डिलाइट का रिव्यू, हमारा से मेरा मतलब मेरा। और कभी कभी पता है क्या होता है कि प्लेसेस उतनी फैंसी नहीं होती, पर यू नो फूड बहुत अच्छा होता है, डिलीशियस होता है। और कभी कभी प्लेसेस बहुत अच्छी होती है, एम्बियंस एकदम प्लेजेंट होता है, मस्त होता है, देख के एकदम वाव वाली फीलिंग आती है, और खाना उतना ही बेकार होता है। सो आई वुड से अगर मुझे कभी ऑर्डर करना पड़ा अपने घर के लिए तो डेफिनेटली आई विल ऑर्डर, बिकॉज मेरे घर के पास है एक तो, और खाने का टेस्ट बहुत अच्छा, ऑथेंटिक हैदराबादी टेस्ट है। और वट बिरयानी बहुत अच्छी है उनकी, दो मैंने कुछ नॉन वेज में ट्राई नहीं करा है, बट फॉर श्योर आई एम गोइंग टू ट्राई देयर नॉन वेजिटेरियन फूड ऑल्सो। वेज बहुत अच्छा था। बट दिस इज ऑल अबाउट माई रिव्यू। और अगर आपको कुछ क्या आप कैसे पूछेंगे, अगर आप मेरे घर के आसपास के रहते तो डू ट्राई इट आउट, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। बाकी सारी रिव्यू ब्लॉग्स और जो भी लिखूंगी वो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूंगी, तो यू कैन गो एंड चेक माई रील देयर। बस इतना ही, ध्यान रखिए अपना, रब रखा।